हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जितेंद्र जोशी और आप सभी का मेरी नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आप ये टेबल और सेटअप देख के गेस तो कर ही चुके होंगे कि ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो ही होने वाली है, और मेरी खुशी से पता लग ही रहा होगा कि बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली है भैया। तो जी हाँ दोस्तों, आपका गेस बिल्कुल सही है। आज मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस चैनल पे अनबॉक्स करने वाला हूँ, जो कि मैं अपने व्लॉग्स में, अपने मोटो व्लॉग्स में रेगुलरली यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी किए जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और आप सबको दिखाते हैं। ओके दोस्तों, सो इस वीडियो में हम इन दो बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं, जिसमें से एक बॉक्स मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो जिसको इस बॉक्स की कहानी नहीं पता है, वो आप पिछली वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल इसको रखते हैं हम लोग साइड में और अनबॉक्स करते हैं ये चीज़। तो भाई, आप सबका तो नहीं पता, बट मुझे अनबॉक्स करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब एक्साइटमेंट होता है अंदर से कि यार क्या है, देखें ज़रा। ऑल दो मैंने खुद ही ऑर्डर किया है, बट फिर भी देखने का एक्साइटमेंट तो होता ही है। तो चलो जल्दी से खोलते हैं यार इसको। टैन टैन। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने व्लॉगिंग के लिए ये GoPro Hero 9 Black मंगाया है, जो कि मैंने बहुत जुगाड़ करके मंगाया है भाई। मतलब काफ़ी महंगा है, तो इसको मैंने बहुत सारे लोगों से जुगाड़ करके मंगाया, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है इसको ख़रीदने में। तो यार इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको जल्दी से खोलते हैं और फिर दिखाते हैं हम लोग यार कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो कहाँ से खुलेगा। ओके, सो दोस्तों, इसके अंदर से निकलता है ये बैग या बॉक्स, जो भी कह लो। सो काफ़ी अच्छा सा ड्यूरेबल सा बैग लग रहा है ये। तो चलो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना कैमरा। सो भाई, खोलने के बाद जो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है, वो तो है भाई अपने प्यारे से कैमरे पर, जो कि छोटू सा प्यारा सा कैमरा है और काफ़ी ड्यूरेबल है यार ये। मतलब क्वालिटी से भी पता चल रहा है कि बहुत ड्यूरेबल है। तो इसको हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, अभी तो इसमें काफ़ी सेटिंग्स वगैरह या फिर मुझे खोल के देखना पड़ेगा। ऑल्सो इस डब्बे में हमको और जो मिलता है वो है ये चार्जिंग केबल, जो GoPro में चार्ज करने के लिए यूज़ होगा हमें, और ये माउंट्स हैं कुछ जो कि बहुत यूज़ होने वाले हैं अपने को, और एक ये बैटरी मिली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग GoPro ऑर्डर कर रहे हो तो एक मेमोरी कार्ड इसके साथ में ही ऑर्डर कर लेना, क्योंकि GoPro के साथ कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं आता है, आप लोग को खुद ही लेना पड़ेगा। तो पहले से ही आप इसके साथ ही में मेमोरी कार्ड परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको हटाते हैं और देखते हैं बैग। तो बैग तो काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है। इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि अपने गियर्स के लिए एक बैग ऑर्डर कर लूँगा, बट मुझे लगता है दिस विल वर्क। सो इन फ्यूचर मैं इस बैग को बहुत यूज़ करने वाला हूँ अपने गियर रखने के लिए। ऑल्सो इसमें कुछ पेपर्स आते हैं, जो कि ऑब्वियसली GoPro के गाइड वगैरह होंगे, तो इसको मैं यूज़ करूँगा अपने GoPro की सेटिंग्स वगैरह के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से GoPro को सेटअप करता हूँ और फिर आप लोगों को मिलता हूँ GoPro के फुटेज के साथ। तो दोस्तों, ये है GoPro की फुटेज जो आप अभी देख रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसी है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मतलब थोड़े बहुत अपडेट्स के बाद मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, सेटिंग्स मैंने बिल्कुल नहीं छुई है इसकी। तो देखते हैं इसकी फुटेज कैसे आती है। दूसरी बात, मैं आपको अब दूसरा बॉक्स दिखाता हूँ, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने अनबॉक्स किया था। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो इस बॉक्स से नहीं दिखा रहा था, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो कि ये है GoPro का माइक अडाप्टर, ऑडियो अडाप्टर भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि मुझे पड़ा समथिंग 4500 का। तो जिनको नहीं पता है भाई, उनको बता दूँ कि बिना इस अडाप्टर के या मीडिया मॉड के GoPro में एक्सटर्नल माइक से ऑडियो नहीं आती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। तो मुझे ये भी ख़रीदना पड़ा, जो कि मुझे थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है। GoPro को थोड़ा सा मतलब साथ ही में देना चाहिए माइक अटैच करने के लिए। दूसरी जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, वो है ये केसिंग अपने GoPro के लिए, जो कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन के लिए भी है और अपने हेलमेट में भी ये लगेगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मोटो व्लॉगिंग के लिए अभी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैंने यार मंगाई थी। तो ये मैं यार आपको खोल के नहीं दिखाऊँगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट अटैच करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि इससे माइक से कैसी क्वालिटी आ रही है GoPro में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हो, वो है डायरेक्ट GoPro की, जो इनबिल्ट माइक आता है उसी की ऑडियो है।
तो इसको भी हम लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी ऑडियो कैसी आती है, अडैप्टर कैसा काम करता है या काम करता है कि नहीं, तो वो हम देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी माइक जो है इसमें अटैच कर लिया है, मैंने ये माइक लगाया है जो कि ऑडियो अडैप्टर से मैंने GoPro में अटैच कर लिया है, तो देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे आती है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ब्लॉग और मोटो ब्लॉगिंग बोल के मैं अनबॉक्सिंग वीडियो ही दिखा रहा हूँ, तो भाई इतना ही था। मैंने कुछ नई चीज़ें ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं दिखाऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ, तो बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो भाई ब्लॉग ही होगा, मैं अपनी बाइक के संग ब्लॉग करूँगा और इसके अलावा कोई भी अनबॉक्सिंग जल्दी नहीं आएगी भाई, क्योंकि बहुत खर्चा वर्चा हो गया, ज़्यादा खर्चा मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बहुत सारे शेयर कर दो यार, कर दो शेयर। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों पिछली वीडियो में जो मैं इसमें से नहीं दिखा रहा था वो मैं आप लोग को अब दिखाऊंगा, जो कि ये है GoPro।